भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का डीके गुप्ता चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका योगेश सर और ईवीएस की पेडागोजी से सीटेट परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। ये इसमें हमारी 10वीं वीडियो है। आज की इस वीडियो तक हम 100 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर चुके होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज जो आपके प्रश्न आने वाले हैं, आपका एक चैप्टर है मूल्यांकन, तो मूल्यांकन से संबंधित है। आपकी ईवीएस पेडागोजी में भी है ये चैप्टर, तो मूल्यांकन से संबंधित ये सारे प्रश्न होंगे। और ये जो आपके प्रश्न हैं पर्यावरण से रिलेटेड होंगे, और ये आपके प्रश्न आपके बाल विकास में भी काम करेंगे। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और शायद ये हमारा कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था। आप में से कई सारे बच्चों ने इसका आंसर किया। अब देखिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले प्रश्न पढ़िए कि प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका जलाभाव यानी कि जल का अभाव यानी कि जल की कमी, तो उस विषय पर अपनी कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी। तो टीचर क्या कर रहा है, बच्चों को आंक रहा है, उनका लगभग आकलन कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, तो ये नहीं करना है हमें। उपरोक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन तो करना ही नहीं है, किसी भी विषय पर किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं लेनी है। यह पता करके उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है, तो इस प्रकार वो अपने बच्चों का आकलन कर सकती है जल के अभाव के ऊपर, या फिर जल संरक्षण पर पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके। तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा जो ऑप्शन आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। वो ये पता करेगी कि जो अपने दैनिक जीवन में जो बच्चे हैं वो जल की बचत उन्होंने प्रारंभ की है या फिर नहीं की है या फिर कैसे की है। तो ये आंक सकती है कक्षा 4 के विद्यार्थियों को एक टीचर, है ना, जल के अभाव के विषय पर। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 90 वाले का जो आंसर है वो क्वेश्चन ऑफ द डे का, कल वाले का आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। चलिए, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं हमारे, आपको पता ही है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, और ऑफिशियल ऐप है जो कि प्ले स्टोर पर है। आपको हर जगह सर्च करना है डी के गुप्ता 1122। आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है डी के अकेडमी, है ना। तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो, आप फेसबुक पर भी जुड़ सकते हो। चलिए, पहला प्रश्न आज का ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 91 जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए, आकलन में और मूल्यांकन में ज्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन जब आप अपनी जो साइकोलॉजी वगैरह है या फिर अपने टेट परीक्षा के लिए मूल्यांकन पढ़ते हो, तो वहां पर आकलन और मूल्यांकन एक ही बात है, या फिर आकलन बोले या फिर मूल्यांकन बोले, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो है ना, याद रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन था कि प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन ए, अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षा। बी, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। सी, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। डी, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। बताइए नीचे कमेंट्स करके आंसर, 91 वाले का आंसर क्या होगा। प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, आकलन में क्या शामिल होना चाहिए, तो अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षा, तो ये तो हमारा कट जाएगा। जो प्राथमिक स्तर पर जो भी बच्चे का आकलन किया जा रहा है तो उसमें वर्ष के जो परीक्षाएं हैं तो वो तो हमें शामिल नहीं करनी है। जब वार्षिक परीक्षा का जो वह कट गया है तो सप्ताह में गृह कार्य और कक्षा कार्य भी कट जाएगा, ये ऑप्शन भी कट जाएगा। अब देखिए, ये हमारा आंसर हो सकता है ऑप्शन सी। कैसे, कि शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किया गया अवलोकन। असंरचनात्मक तरीके से मतलब है, देखिए, संरचनात्मक तरीके से मतलब है कि स्टेप वाई स्टेप किसी एक वे में किया गया उनका मूल्यांकन बच्चों का। अब यहां पर असंरचनात्मक का मतलब है कि चलते फिरते टीचर ने क्या है, बच्चे का सतत और व्यापक मूल्यांकन कर लिया है। अब उस अवलोकन को, मूल्यांकन को बच्चों के साथ शेयर करना और उनके अभिभावकों यानी कि गार्जियंस के साथ शेयर करना, तो ये कहीं पॉजिटिव है। आगे देख लेते हैं, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं, तो ये तो ऐसे ही कट गया, यहां पर परीक्षाओं की बात कर दी है। खेल होने चाहिए प्रत्येक सप्ताह, और उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना चाहिए। यहां पर आकलन में ये शामिल होना चाहिए कि बच्चों की हर हफ्ता खेल होने चाहिए, तो ये तो पॉजिटिव है, लेकिन औपचारिक रूप से परीक्षाएं भी होनी चाहिए, ये नेगेटिव है। परीक्षाएं तो होनी ही नहीं है प्राथमिक स्तर पर, ये तो है ही नेगेटिव। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अब देखिए 92, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने और अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका है समूह में द्वंद, ऑप्शन बी है गहन प्रतियोगिता, ऑप्शन सी है उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, डैश डी ऑप्शन है उच्च नैतिक विकास। तो बता दीजिए नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर। थोड़ा सा ऐसा लगेगा आपको कि क्वेश्चन क्लियर नहीं है, क्वेश्चन क्या है क्लियर नहीं है। तो ऐसे ही एज इट इज यही प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में 2012 में शायद पूछा गया था, 2012 का प्रश्न है ये। नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर जरूर बताना है। अच्छा एक चीज और, जब मैं शुरुआत में आपको इस चैनल पर पढ़ाने आया था तो कुछ कमियां आप लोग बताते थे कि सर ये कमी है वो कमी है, जो आप कर्जर है वो मत यूज करिए, आपने ये नहीं डिस्कस किया, आपने वो एक्सप्लेन नहीं किया, तो वो सारी जो कमियां हैं आप अभी नहीं बताते हो। तो नीचे कमेंट्स करके आपको लेक्चर में जो भी कमी लगे नीचे कमेंट्स करके बता दिया करिए, है ना, जिस पर आगे से उस पर काम किया जा सके। आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, आपको डिजाइन कैसी लग रही है, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, आपको जल्दी मैं पढ़ा रहा हूं या फिर धीरे पढ़ा रहा हूं, सारी चीजें वीडियो के कमेंट्स में बताया करिए, वीडियो के बाद में, है ना, प्रीमियर खत्म होने के बाद में जहां पर आप अपना स्कोर बताते हो वहीं पर आपको ये सारी चीजें भी बतानी है। चलिए आंसर बता दीजिए इसका, मैं आंसर में आपको बता देता हूं। सहयोगात्मक अधिगम हो रहा है यानी कि सहयोग के द्वारा कौन पढ़ा रहा है, जो पुराने और अधिक दक्ष छात्र हैं वो कम कुशल छात्रों का आकलन करते हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं, वो समूह में द्वंद है इस वजह से कर रहे हैं तो नेगेटिव है, गहन प्रतियोगिता वो कर रहे हैं इस वजह से कर रहे हैं आकलन तो ये भी नेगेटिव है, उच्च उपलब्धि है उनकी और वह स्वगरिमा है उनके मतलब स्वगरिमा के लिए कर रहे हैं तो ये हो सकता है, आगे देख लेते हैं, उच्च नैतिक विकास, जो नैतिक विकास हो उनका उच्च नैतिक विकास है इसलिए कर रहे हैं, बताइए नीचे कमेंट्स करके आंसर। चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, उच्च उपलब्धि है उनके पास और स्वगरिमा के लिए क्या है वो जो छोटे विद्यार्थी हैं उनका आकलन कर रहे हैं, है ना, तो आंसर होगा 92 वाले का सी। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है डैश का प्रयोग करना, ऑप्शन ए गृह कार्य, ऑप्शन बी योगात्मक कार्य, ऑप्शन सी पोर्टफोलियो, ऑप्शन डी आवधिक परीक्षाएं, बता दीजिए नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है डैश का प्रयोग करना, किस चीज का प्रयोग करना है, गृह कार्य का प्रयोग करके आप आकलन करोगे तो गलत है, योगात्मक उनको कार्य दोगे तो यह भी लगभग गलत ही है, कार्य तो देना ही नहीं है, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो से आप आकलन कर सकते हो तो अपने आप में बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है पोर्टफोलियो, याद रखना पोर्टफोलियो में एक टीचर पूरे अपने जो बच्चे हैं कब उसने एडमिशन लिया है वो किस परीक्षा में कितने उसके मार्क हैं, मार्क्स हैं, कितनी तेज गति से वो ग्रो कर रहा है या फिर कितनी तेज गति से वो चीज़ों को सीख रहा है, 6 महीने पहले उसको कितने तक टेबल याद थे, अभी उसको कितने तक टेबल याद हैं, बच्चों के सारे चीज़ों का जो लेखा जोखा है वो रखा जाता है पोर्टफोलियो में, और सबसे बेस्ट तरीका है ये बच्चों का मूल्यांकन या फिर आकलन करने का, और आवधिक परीक्षाएं तो लेनी ही नहीं है, इस वजह से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता, ऑप्शन ए शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों की अधिगम व्यक्तियों की पहचान, अधिगम रिक्तियों की पहचान होगी, है ना, अधिगम रिक्तियां, यहां पर ये मिसप्रिंट है, अधिगम रिक्तियां, अधिगम रिक्तियां यानी कि क्या क्या उनके अधिगम में कमियां हैं, है ना, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी देखिए, शिक्षण में कमियों की पहचान, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने, बताइए नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर 94 वाले का क्या होगा। देखिए और एक चीज और है कि ये सीटेट परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जिसमें कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस में कन्फ्लिक्ट होती है यानी कि द्वंद होता है, कई सारे दो ऑप्शन आपको एक जैसे दिखेंगे लेकिन कई बार ही होता है कि जो सीटेट यानी कि सीबीएसई जो बोर्ड चाहता है वही वो आंसर रखता है, वो उसको उसने किस क्या सोचकर वो क्वेश्चन बनाया है तो उस हिसाब से वो आंसर है वो मार्क करते हैं,
और जैसे आपको लगेगा कई बार कि ऑप्शन नंबर बी आंसर है, लेकिन वो नहीं मानते, वो अपना आंसर ए ही रखते हैं। कई बार आपने देखा होगा सीटेट परीक्षा में, आपको बताई है, कई बार रिट वगैरह डाली जाती हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। सीटेट परीक्षा में जो आंसर बोर्ड के द्वारा डिसाइड किया जाता है केवल वही आंसर होता है ना। तो उस पर भी थोड़ा सा वो करना है आपको, ज़्यादा एक क्वेश्चन के पीछे भागते नहीं रहना है कि एक क्वेश्चन का थोड़ा सा आपको गड़बड़ लग रहा है तो उसके पीछे ही पड़ जाओ, उसको छोड़ के आगे बढ़िए। चलिए यहाँ पर आप आंसर दीजिए कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन, देखिए एक होता है रचनात्मक आकलन और एक होता है आपका योगात्मक आकलन। ये जो आपका रचनात्मक आकलन किया जाता है, ये इसमें क्या है, बच्चों से तुरंत की तुरंत फीडबैक ले लिया जाता है कि जैसे टीचर एक बच्चे का आकलन कर रही है तो उसको पता लग जाएगा कि आकलन में क्या रिजल्ट है और तुरंत की तुरंत बच्चों से वो फीडबैक उसको मिल जाएगा। एक होता है योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन का मतलब ये है कि वो क्या है, कोई भी सेशन होता है ना, सेशन सत्र, उसके एंड में लिया जाता है। तो यहां पर ये बात बोली गई कि पर्यावरण प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को डैश को शामिल नहीं करता है। किस चीज को शामिल नहीं करता है, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, शिक्षार्थियों की अधिगम रिक्तियों की पहचान। तो अधिगम क्या क्या, अधिगम रिक्तियां यानी कि अधिगम में क्या क्या कमियां हैं उसकी तो पहचान करेगा ही, तो ये तो पॉजिटिव है, इस वजह से कट जाएगा। पूछा क्या है, नेगेटिव। शिक्षण में कमियों की पहचान, तो जो आकलन है वो शिक्षण में कमियां भी बताएगा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि तुरंत फीडबैक ले लिया जाता है, तो शिक्षण में क्या कमियां हैं टीचर को स्वयं पता लग जाएगा, तो इस चीज को तो शामिल करता है, तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है, इस वजह से ये भी कट जाएगा। शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने, जो भी सीखना है उनका उसको बढ़ाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, ये भी कट जाएगा। आप देखिए शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग कभी भी डिसाइड नहीं करनी होती है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव ऑप्शन है शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग डिसाइड करना। इस प्रश्न को शायद हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलिए 94 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अब देखिए इसको देखिए, नेहा कक्षा 5 के पर्यावरण विषय में, पर्यावरण अध्ययन के विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, गृह कार्य मूल्यांकन, परियोजना कार्य मूल्यांकन या फिर मौखिक परीक्षा। तो प्रश्न आपका यहां से शुरू होता है कि नीचे दिए गए तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है। यहां पर बात यह बोली गई है कि इसमें से दो ऐसे मूल्यांकन सबसे बेस्ट हैं, दो मूल्यांकन ऐसे मूल्यांकन हैं जो एकदम वस्तुनिष्ठ हैं, उनके बारे में आपको बताना है कि सबसे अच्छे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन इन चारों मूल्यांकनों में से कौन है। ऑप्शन यहां पर ये भी नहीं दिया गया है कि ये सभी या फिर एबीसी, केवल दो ही हैं। बताइए युगल पूछा है ना, युगल, तो कौन सा युगल है, बी और सी वाला है, ए और डी वाला है, बी और डी वाला है या फिर ए और बी वाला है। नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर बता दीजिए, 95 वाले का आंसर क्या है। बताइए इसमें से कौन से दो मूल्यांकन है वो सबसे ज्यादा वस्तुनिष्ठ हैं। बताइए, चलिए यहां पर आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है वो होगा एक तो हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, यानी कि जो बच्चे स्वयं करके सीख रहे हैं, डेली लाइफ में जो गतिविधियां कर रहे हैं उन क्रियाकलापों का आप मूल्यांकन करेंगे, बिल्कुल सही बात है। गृह कार्य मूल्यांकन यहां पर ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, परियोजना कार्य मूल्यांकन यहाँ ज्यादा प्रभावशाली है, कोई भी बच्चों को प्रोजेक्ट देंगे उस पर वो बच्चे काम कर रहे हैं उसका आप लोग मूल्यांकन करेंगे। तो ए हो गया सबसे पहले, और कौन सा हो गया, सी हो गया। अब देखिए आगे देखिए, मौखिक मूल्यांकन, मौखिक मूल्यांकन देखिए, अच्छा मौखिक मूल्यांकन भी कर सकते हैं यहां पर, बच्चों का मौखिक मूल्यांकन कर सकते हैं, लेकिन यहां पर परियोजना कार्य, तो यहां पर तीन ऑप्शन तो नहीं है। ऑप्शन सबसे पहले तो बी कट गया, बी देख लीजिए किसमें है, तो एक तो ये कट गया और ये कट गया, अब हमारा बचा ए और डी और ए और बी, सॉरी बी भी कट गया तो ये भी कट गया, हमारा तीन ऑप्शन कट गए हमारे बी की वजह से, क्योंकि गृह कार्य मूल्यांकन तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहां पर हमारे तीनों कट गए, हमारा बचा है ए और डी। तो इन मूल्यांकन में हम देख सकते हैं कि एक तो हस्तपरक क्रियाकलापों वाला मूल्यांकन सबसे बेस्ट होगा, इसके अलावा इसने ये रखा है मौखिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा से भी आप वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कर सकते हैं, तो ये यहां पर दो ए और डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 95 वाले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहां पर मैंने, मुझे पता लग गया कि गृह कार्य मूल्यांकन ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, उससे अच्छा है कि आप मौखिक परीक्षा ले लो, बच्चों के तुरंत आपको पता चल जाएगा, या फिर हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को ले लो। तो यहां से मुझे यह पता लग गया कि बी तो आंसर नहीं होगा, तो जितने में बी है मैंने वो काट दिया।
फिर मुझे पता लग गया यहां पर ए तो जरूर होगा, इसके अलावा ए के साथ सी हो सकता है, ए के साथ डी हो सकता है। अब यहां पर देखिए ए के साथ सी वाला ऑप्शन नहीं है, ए के साथ डी वाला ऑप्शन है, बचा भी वही है क्योंकि बी से मैंने तीनों काट दिए थे, तीनों में बी था, इस वजह से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें आपको नहीं पता होती हैं प्रश्न में, लेकिन आपको एलिमिनेशन वाले मेथड से जब आप करते हो, काट काट कर एक चीज आप पकड़ लेते हो उससे करते हो, तो आंसर तक बड़ी आसानी से पहुंच जाते हो। तो ये भी तरीका है, इसको भी अपनाया करिए, है ना। चलिए, निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? ऐसा कौन सा कार्य है जो इस रूपात्मक आकलन का नहीं है? पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा और व्याख्या करना, दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकनों को दर्ज करना, दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्ह अंकन करने वाले आरेख बनाना, जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। बताइए बच्चे का आप आकलन कर रहे हैं और आकलन कैसा है? रूपात्मक आकलन है। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि आकलन दो तरह के होते हैं, एक होता है योगात्मक, दूसरा होता है रचनात्मक। और एक जो आकलन होता है वो है बच्चे का निदान करना, उसको हम निदानात्मक आकलन कहते हैं, कि बच्चे की समस्या को सॉल्व करना। अब ये कहां से आ गया रूपात्मक आकलन, ये तो पढ़ाई नहीं है, ये तो उसमें है ही नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ऑप्शंस की सहायता से ही इसको हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बुक में भी नहीं है रूपात्मक आकलन। तो यहां पर यह है कि रूपात्मक आकलन का कार्य नहीं है। अब यहां से मुझे ये पता लग गया कि तीन ऐसे ऑप्शन होंगे, वो लगभग एक दूसरे से जुड़े होंगे, कुछ ना कुछ कनेक्ट कर रहे होंगे। एक ऑप्शन ऐसा होगा जो बिल्कुल ही तीनों से अलग होगा और वही आंसर होगा। देखिए, पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा का व्याख्या करना, यानी कि पाठ से संबंधित है और शब्दावली की व्याख्या की जा रही है। दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना, तो ये तो आकलन से संबंधित है, तो ये तो मुझे तो लग रहा है कि आंसर नहीं होगा। दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्ह अंकन वाले आरेख बनाना, जो प्रयोगात्मक प्रारूप है उसके चित्र अंकन वाले आरेख बनाना। फिर एक देखिए कि जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। तो यहां पर देखिए, इस ऑप्शन को देखिए, एकदम अलग ही है, सबसे अलग है, सबसे अलग ऑप्शन है, इस वजह से आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जल प्रदूषण की हानियां, इसका कोई संबंध नहीं है आकलन से, है ना, क्योंकि यहां पर बच्चे के साथ चर्चा की जा रही है, उसका आकलन नहीं किया जा रहा है। चलिए, है ना, तो यहां पर ये आंसर हो जाएगा 96 वाले का डी। क्वेश्चन बिल्कुल ही अटपटा है, ऐसे ही कभी कभार प्रश्न आ जाते हैं, बिल्कुल अटपटे, आपने कभी भी अपने सिलेबस में भी नहीं पढ़ा होगा, वो चीज आ जाती है, उसके बाद पूरे ऑप्शन भी एकदम अटपटे से आ जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको सीटेट परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगर इस तरह के प्रश्न सीटेट नहीं देगा तो बच्चे क्या है 150 में से 150 नंबर ले आएंगे। इस वजह से क्या है, हर एक परीक्षा देख लेना, सीटेट की हो, SSC की हो, रेलवे कोई भी परीक्षा हो, UPSC की हो, उसमें कई सारे प्रश्न ऐसे होते हैं एकदम अटपटे होते हैं, है ना। तो इस तरह के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 96 वाले का डी। 97 देखिए, निम्न में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीक है? ए है परियोजना कार्य, बी है क्षेत्र भ्रमण, एक है जर्नल लिखना, विचार मानचित्र। तो इसमें से पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन यानी कि बच्चे का मूल्यांकन करना है आपको, तो ये कुछ उपकरण और तकनीक हैं, तो आपको बताना है कि आकलन के लिए उपकरण और तकनीक हैं, तो कौन सी उपकरण और तकनीक है इसमें से बच्चे के आकलन के लिए? तो परियोजना कार्य आप उसको दोगे, यानी कि प्रोजेक्ट वर्क उसको दोगे आप, तो पॉजिटिव है, ये तो होगा ही, बिल्कुल होगा, ये तो होना ही है। तो यहां पर पर्यावरण से संबंधित भी है, क्षेत्र भ्रमण पर्यावरण से संबंधित ही है। तो अब हमें यहां पर दो तो मिल चुके हैं कि ए और बी जिस ऑप्शन में होगा वो आंसर होगा। अब देख लेते हैं, बी है इसमें, ए नहीं है, तो ये कट गया। इसमें केवल डी है, ये भी कट गया। डी में देखिए विचार मानचित्रण, विचार में क्या है, मानचित्र को बनाना, विचार मानचित्रण, जो विचार में मानचित्र है उनको बनाना, तो इससे आकलन हो जाएगा, तो ये तो वैसे ही कट गया, डी तो हो कैसे भी नहीं हो सकता। ए और बी इसमें दिए गए हैं, तो हमें यहां पर आंसर मिल चुका है, चौथा ऑप्शन उसने उपरोक्त सभी दे दिया है। और हमें पता है कि जर्नल लिखना भी क्या है, एक तरह से जो एंट्रीज होती हैं, जैसे आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स में होता है ये, एक तरफ जो प्रॉफिट है वो लिखे जाते हैं, एक तरफ लॉस लिखे जाते हैं, तो एक तरह से खाता बुक जो जो बुक वगैरह है उसमें एंट्री करना होता है जर्नल लिखना,
तो ये तो ऑप्शन कट गया हमारा, इस वजह से ये दो ऑप्शन हमारे कट चुके थे, तो ऑप्शन डी भी आंसर नहीं होगा। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी, परियोजना कार्य और क्षेत्र भ्रमण। चलिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्न में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? पूर्वानुमान, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना और अवलोकन करना। इसमें से कौन सा ऐसा कौशल नहीं कौशल है जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों से संबंधित नहीं है, तो जिसमें प्रत्यक्ष अनुभव न आए? तो पूर्वानुमान, जब आप पूर्वानुमान करोगे यानी कि पहले से ही किसी चीज़ का अनुमान लगाओगे आप, तो उसमें पूछताछ आधारित आपके अनुभव आएंगे, तो आ सकते हैं, इसको होल्ड पर रखते हैं। निर्धारण, किसी चीज़ को आप निर्धारित कर दो तो उसमें प्रत्यक्ष अनुभव आ सकते हैं, या फिर उसमें पूछताछ आधारित कुछ आ सकता है, प्रत्यक्ष अनुभव आ सकते हैं जिसमें पूछताछ हो, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है ऑप्शन, तो इसको होल्ड, इसको भी होल्ड पर रखते हैं। निष्कर्ष निकालना, किसी चीज़ का आपने निष्कर्ष निकाल दिया तो इसमें अगर आपके पूछताछ आधारित जो प्रत्यक्ष अनुभव हैं वो आ सकते हैं, तो इसमें भी आ सकते हैं, इसको भी होल्ड पर रखते हैं। आगे देख लें, अवलोकन, जब आप अवलोकन करते हो किसी चीज़ का तो इसमें भी, इसमें तो आते हैं, तो ये तो ऑप्शन कट गया हमारा, ये तो नहीं होगा, क्योंकि अवलोकन करते हो तो इसमें तो प्रत्यक्ष अनुभव आते हैं। और निष्कर्ष, कोई आप निष्कर्ष निकालते हो तो उसमें भी अनुभव, आपके प्रत्यक्ष अनुभव आते हैं। और यहाँ पर हमारा बचा है निर्धारण, किसी चीज़ का जब आप निर्धारित कर देते हो उस चीज़ को कि आपने कोई चीज़ फिक्स कर दी, तो उसमें प्रत्यक्ष अनुभव और पूछताछ आधारित कुछ आएगा, तो हमें लग रहा है यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ही होगा, है ना। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है आपके लिए, इसको कनेक्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। आंसर इसमें दिया था आपका ऑप्शन नंबर बी, और इस ऑप्शन, इस प्रश्न को भी शायद हम पहले डिस्कस कर चुके थे, तो इसका आंसर होगा 98 वाले का ऑप्शन नंबर बी, है ना। अब देखिए यहाँ पर कौन सा हो गया, 98 तक हो चुके हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्न में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? वही बात कर रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चे का आकलन यानी कि मूल्यांकन किया जा रहा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन इससे संबंधित नहीं है? चलिए नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर बता दीजिए। स्मरण करना, स्मरण रखना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता, या फिर सहयोग। बता दीजिए नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर, कि प्राथमिक जो पर्यावरण अध्ययन में प्राथमिक स्तर पर आप बच्चे का आकलन कर रहे हो यानी कि मूल्यांकन कर रहे हो, तो इनमें से कौन सा संकेतक उपयुक्त नहीं है? चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, 99 वाले का होगा आपसे ऑप्शन नंबर ए आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्मरण रखना। कोई भी चीज़ आप स्मरण रख लेते हो तो उसमें किस तरह का आकलन होगा, उसमें कोई आकलन से संबंधित नहीं है। आकलन करने के लिए बच्चे का क्या किया जाता है, एक तो मैंने आपको बताया कि योगात्मक और रचनात्मक आकलन होते हैं, एक आकलन करने के लिए प्रश्न भी पूछे जाते हैं बच्चों से। तो बच्चे का आकलन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि मौखिक परीक्षाओं का आयोजन करना, वो सारी चीज़ें, तो प्रश्न भी पूछा जाएगा। न्याय और समानता के प्रति चिंता भी उसमें होगी, बच्चों का सहयोग भी उसमें होगा आकलन में, लेकिन स्मरण रखना किसी चीज़ को ये आकलन से संबंधित नहीं है, इसलिए 99 वाले का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए थोड़े से आपने आज आपने देखे, आपको जो 10 प्रश्न आपने देखे और इसमें से आपको जो सही करने हैं वो लगभग 6 से 7 से ज़्यादा प्रश्न आपके सही होने चाहिए आज की वीडियो से, है ना। थोड़े से टफ क्वेश्चन थे आज की वीडियो में, और ये जो आपका 100 वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ईजी है आपके लिए, और ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका जवाब आपको देना है नीचे कमेंट्स में प्रीमियर खत्म हो जाने के बाद। प्रश्न ये है कि शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन आपके हैं, बच्चों की पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, या फिर बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। नीचे कमेंट्स करके आप बताएंगे ये 100 वाले का आंसर, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए, इसका जवाब मैं कल की वीडियो में दूंगा आपको। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिए हैं, इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना है, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।